गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामवासियों ने भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और साथ ही आशा जताई है कि आने वाला प्रतिनिधि हमारे गांव का विकास करेगा और सारी समस्याओं को लेकर समाधान करने का प्रयास भी करेगा। इस अवसर पर पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाली छात्राओं का ये कहना था कि हमें उम्मीद है कि हमारा गाँव तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ेगा, इसी उम्मीद के साथ हमने वोट किया है। मुरादाबाद जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान करने पहुँच रहे सभी ग्रामवासी इस उम्मीद के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कर है कि आने वाले समय में चुने जाने वाला प्रतिनिधि उनके गांव की समस्याओं का समाधान करेगा और गांव को विकास की ओर आगे ले जाने का काम करेगा। मुरादाबाद जनपद के कई पोलिंग बूथ पर मौजूद मतदाताओं का कहना था कि आज हम जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और बीटीसी मेंबर को वोट कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि गांव में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी के साथ अनेक समस्याओं को लेकर चुनने वाला प्रतिनिधि काम करेगा और रोजगार के क्षेत्र में गाँव को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देगा। आज इन्हीं उम्मीदों के साथ हम सब ग्रामवासी यहां पर वोट करने आए हैं। ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार बीडीसी और मेंबरी जिला पंचायत वार्ड 32 से जो हमारे यहां के काम अधूरे रहे हैं उनके लिए हम प्रधान पद चुनने के लिए जा रहे हैं और जो भी हमारी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए हम अपना प्रधान पद उम्मीदवार चुनेंगे और जो हमारे यहाँ की सड़कें वगैरह जो थोड़े अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा कराने के लिए हम अपने आज प्रधान को चुनेंगे। थोड़ी अभी कहीं कहीं पे कुछ थोड़ी सी रोड की समस्या वैसे ज़्यादा नहीं है और बाकी जो भी समस्याएं हैं थोड़ी पानी की नल उल की हेडपम्प वगैरह की इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप आज हम अपना ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार को चुनेंगे और बीडीसी जिला पंचायत। हम ये चाहते हैं हमारे गाँव की सुविधा सही होनी चाहिए और सड़क सही होनी चाहिए, पानी की पूरी कमी पूरी होनी चाहिए और सारे काम सही होने चाहिए। यही चाहती हैं? हाँ हाँ। सर हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव खुशहाल होना चाहिए, बिजली पानी मिलना चाहिए, टाइम से सुविधा होनी चाहिए, प्रधान अच्छा होना चाहिए, जिला पंचायत का सही होनी चाहिए, बीडीसी सही होना चाहिए, मेंबर हमारे सही होने चाहिए। आपने जो वोट करा है तो क्या चाहते हैं गांव में जो समस्या है वो कौन सी समस्या दूर हो? समस्या हमारे गांव की ज़्यादातर नालियाँ हैं, सड़कें हैं वो ख़राब हैं। आप पीड़ित उसमें देख लीजिए, नरेगा में जाके देख लीजिए उसमें कमी है, वो सारी सुविधा हमें सही करानी है। हमारा प्रधान चुनना चाहिए अच्छा, जो हमारी रोडों पर गड्ढे काफ़ी हो चुके हैं। सबसे पहली बात हमारे घर के सामने आज तक रोड नहीं डल पाया है। अंजलि, आज यहाँ वोट करने आए हो, इस उम्मीद के साथ आए हो कि गांव में क्या होना चाहिए? तुम्हें बोल रहे हो गांव में क्या होना चाहिए? विकास होने चाहिए, जो सुविधाएं वो होनी चाहिए। क्या नजर में है आपकी जो गांव की सड़क है, पानी है, क्या समस्या है? सड़कें, पानी वगैरह, स्कूल की सुविधाएं ये होनी चाहिए। हाँ। कितनी बार वोट किया है आपने? पहली बार। पहली बार वोट करने आए, कैसा लग रहा है आपको पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है? अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, पहली बार करा है। अच्छा, तो पहली बार वोट किया है तो क्या मानती है कि गांव की क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो जीत गया है वो सॉल्व करे? ये है कि बच्चों को पढ़ाई अच्छे से मिले और ये है सारी टूटी फूटी सड़कें हैं ये अच्छे से हो, सारा काम अच्छा से विकास करें अच्छे से, प्रधान ये दुख तकलीफ होती है उसका भी थोड़ा वो करें। पहली बार आपने वोट डाला है, कैसा लग रहा है? अभी डाला नहीं है, डालेंगे। मतलब पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जो पहली बार सोच रही हूँ कि मेरा वोट गड्ढे में नहीं जाए, जाए नहीं जाए, अच्छी जगह। हाँ, अच्छी जगह जाए। प्रियांशी, प्रियांशी आज आप वोट करने आई हैं, क्या चाहती हैं? जीत के आए वो आपके गाँव का क्या समस्या है, उसका समाधान? विकास करे हमारे गाँव में। आप देखती हैं कि एजुकेशन है, सड़क है, पानी है, क्या प्रॉब्लम? हाँ, मतलब स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में, हमारे मतलब सड़कें हैं वो सही कराएं, पानी की कमी है वो पूरी कराएं, यही विकास चाहिए हमें, और क्या चाहिए।